अच्छा बाबूजी, बाबा एक पीर गान फौजी जवान का, आप लोगों के बीच में अपनी आवाज में भेजा था नहीं आदरी बड़का भैया अभिमन्नु भैया की देख रेख में हरिओम म्यूजिक रिकॉर्डिंग सेंटर आजमगढ़ से और हारमोनियम पर बैठे हुए हमारे भाई, बड़े प्यार से हम लोग सौरभ सम्राट कहते हैं, ताजगी भी है। बगल में बैठे हुए कोरस पर हमारे भाई संतोष जी, जो बिरहा महासंघ के मंडल प्रभारी हैं आजमगढ़ के। बिंजू पर बैठे हुए हमारे भाई रविंदर जी, साजिंदो के अध्यक्ष बिरहा महासंघ के हैं हमारे चंद्रजीत उर्फ छोटू भैया, और बड़े ही शानदार जानदार हमारे दिल के बड़े करीब रहने वाले भाई शिव बच्चन जी, जो कोरस पर बैठे हैं, और आदरणीय अध्यक्ष जी स्टूडियो में बैठे हुए हैं राजकुमार जी, हमारा छोटा भाई विजय, जो बिजलाल फैंस चैनल का वो डायरेक्टर है, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, सभी लोगों के देख रेख में हमारी गीत जा रही है। मैं सलाम करता हूं जवानों को जो अपने प्राणों की आहुति दे करके और इस वतन और इस मुल्क को सींचने और संवारने का काम किया है। उन जवानों के प्रति कभी की कलम चली है, भूम का गलाई नहीं है तंजा। प्यारा नहीं दे रही आज आवाज माँ भारती, अरे अपने सर पर सजा लो कफन साथियों, हम वतन आन पर मरे मिटे शान से, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही जगह टुकड़ा लगल है सौरभ, बड़ा पुरान टुकड़ा है। बहुत पुरान टुकड़ा कि अरे तेरे दरबार का, अरे हाँ तेरे दरबार का चल के करीना, अरे हम भी देखेंगे तेरे दरबार का चल के, तेरे दरबार
का चल के करीना, अरे हम भी देखेंगे, अरे हाँ करीना हम भी देखेंगे, अगर मर जी, अरे हाँ अगर मर जी, अरे मालिक की हुई तो मदीना, अरे हम भी देखेंगे। अरे कटा दे, अरे हाँ कटा दे, अरे यान पर गर्दन वतन की शान होती है, कटा दे यान पर गर्दन। अरे कटा दे यान पर गर्दन, अरे हम वतन की शान होती है, अरे हम वतन की शान होती है। बहादुरम बहादुरम बहादुरा से रसूलों की यही पहचान होती है, बहादुरम से रसूलों की। कहानी का शुरुआत हो गई मास्टर। वतन ईमान पर जो जान लुटाता यारो, नाम इतिहास ने उसी का लिखाता यारो। फर्ज ईमान से जो दूर भाग जाता है, फर्ज ईमान से जो दूर भाग जाता है, मेरी कलम से वह गद्दार ही कहता है। मुरादाबाद का संदीप पानीदार रहा, सेनानी जाट रेजिमेंट का सरदार रहा। पिता महीप माता मालिनी का तारा था, बहन थी संध्या जिसे कुदरत ने सवारा था। चक्के बाबू, मुरादाबाद का रहने वाला संदीप सिंह सेनानी जाट रेजिमेंट में भर्ती हो गया। आज भर्ती हो गया, घर पर एक बहन है जिस बहन का नाम संध्या बताया गया। एक भाई और एक बहन, माता पिता बड़ा छोटा ही परिवार है। सेना में भर्ती हो गया, ड्यूटी पर चला गया। एक बात कह करके पिताजी से कि पिताजी, बहन संध्या की शादी की कहीं न कहीं व्यवस्था बनाइएगा, और शादी अगर पक्की हो जाएगी तो हमें टेलीफोन कर दीजिएगा बाबूजी। जवान चला गया, पिता महीप जी संध्या के लिए लड़के की तलाश में निकल गए। एक लड़का मिला, वो भी फौजी जवान। जवान फौजी है, बेटा को टेलीफोन करके बता रहे हैं कि बेटा संध्या की शादी तो हमने पक्की कर दिया। लड़का फौजी जवान है लेकिन घर पर नहीं है, रिश्ता पक्का हो गया। बेटा बता रहे हैं पिता महीप जी बेटे संदीप से विरह में जेठ गीत लगे लिए, बड़ा आजकल ये गीत का बड़ा चर्चा।
वह गीत बा जवन कैला तू सैया राते अब हिले बुझात बाटे जवन कैला तू सैया राते अब हिले बुझात बाटे दूर तो निहाती अब जन सती दर्दिया होता है राजा। ये गीत है लेकिन भाव है बाबू अपने बेटवा के टेलीफोनवा में बतावत हूँ शादी संध्या का गैली रखाई बेटा दियली हम तोके बताई शादी संध्या का गैली रखाई बेटा दियली हम तोके बताई हिति और मित के देवता पठवली दूल्हा मिलल बाजवा जोड़ी लागे जैसे चकोरिया के चाक जोड़ी लागे जैसे चकोरिया के चाक ए बेटा बेटा फौजी जवान हो आ फोटो में बस खाली देखले है जैसे चंदा या जकोरी के सिस्टम है वही तरह दोनों हुए मन लागे सवरिया भइला तैयारिया घर में कर अखिया जो हेले डर ए बेटा पैसा घर में ना व्यवस्था चरमरा दियो वादा पहले ही 2 लाख रुपया देवे के हो और एगो हीरो हुंडा गाड़ी अरे वाह कैसे बेटा सिस्टम बनी जबले ऐबाना तबले हम कुछ न कर पाई यह कहत हमन महीप जी टेलीफोन पर बात हो गई कि बाबूजी ठीक हो हम काल छुट्टी का लेटर लेके जाए अगर हमारे अधिकारी अगर हमके छुट्टी दे दी है तो हम परसों गाड़ी पकड़ के घरे आ जाए बात हो गई आज जब बात हो गई संदीप चला है अपने अफसर के पास छुट्टी का एक लेटर बना करके सर इस पर साइन कर दीजिए सर साइन कर दीजिए हम घर जाना चाहते हैं क्योंकि घर पर बहन की शादी है 4-5 रोज बचे हैं व्यवस्था भी करना है सर लेकर के संदीप जिस समय लेटर गया है आप सर जिस समय साइन करना चाहता है उसी समय तब तक मैसेज आता है उसके मोबाइल पर एक तरफ मैसेज को पढ़ता है दूसरे तरफ संदीप तरफ ताकता है ऑफिसर संदीप पूछता है कि सर क्या हुआ ऑफिसर से पूछ रहा है संदीप ऑफिसर बताओ तो विराह बेट बड़ी रसिक गीत है उस्ताद गा बोले कि कैसे गा बोले कि काला तिल लगावा काला तिल लगावा कै अरे गोरैया नीक लागले बड़ी पुरान गीत है लेकिन देखा लचक लचक में देखा छोरो कि सावन रे मासे सावन ये नीक लागले
काला तीला गालावा का गोरैया निकला गले रस रस झूला ली झूला नवा राधा हो कांधा माना मोए तमाम गीत गवा लिए मैंने लेकिन भाव लिखना है कवि जी। संदीप पूछता है अपने ऑफिसर से, ऑफिसर कहता है कि बेटा संदीप सुनो, देई के चुनौती दुश्मन कैले बायला नवाम सेना का जवान बाधा सारा पर का फनावा पापी कैला माना मानी भैया हो पापा पापी कैला मन मानी भैया हो राखा सवा कल्ला ए बेटा या पाक हमारा जो पड़ोसी मुल्क है एक कब क्या कहता है कब क्या कर देता है। कहता कि सर मैं समझ नहीं पाया कल कि ये पाकिस्तान की सेना हमारे हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी है। अच्छा कहता कि रोजा रोजा सीमा वापस अरे रोजा रोजा सीमा वापस कर पापी फायर देवाना जवाब बता कहा बेटा काया रस्त तो हर भैली भैया हो माना पतिया है हमारा ए बेटा तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जाती है क्योंकि एलओसी पर पाकिस्तान की सेना घुसपैठ बना ली है बेटा। फौजी जवान जिससे में सुनता है मचल गया कहा कि ठीक है सर बिरहा में जो एक गीत लग लिया बड़ी पुरानी गीत बड़ी पुरान गीत बा कवन नाम कवन कर वाला ये सैया घरे भाई हवला अयर राजा हो घरे भाई हवला अपने बसेला मोर राजा हो या पदे बसेला मोर राजा हो पूर्वी बानी दिया अफसर कह रहा है संदीप से तू सुमन सिपाही आए बेटा फेरा लहोनी गहिया कैला चढ़ाई आये बेटा कैला चढ़ाई आये बेटा कारगी लगी रही कैला चढ़ाई आये बेटा अरे वरद चढ़ावा ये बेटा राई फलऊ हवा के मसाली दाये बेटा कई के ता भैया
वर्दी चढ़ाओ, राइफल उठाओ, उन हरामजादों को ईंट का जवाब पत्थर से दो। जिस समय आदेश हुआ, सेना नायक संदीप मचल गया, चला है भाव कवि लिखन विराम, बड़ी बिजोड़ गीत है। छोटे गोरियाम अयर छोटे गोरियो तो काहे रंग ले बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया भाव देखा जवानन का। तयर जंगे खबर सुन के अयर जंगे खबर सुन के झूम गई लहो अयर झूम गई लहो तब उठा राई फल जवान झट चूम ली हलो वरदी बदन पर चढ़ाया माटी उठा कर के माथे पर लगाया तब फायर सुनत तायर माथा अरे घूम गई ना हो अरे घूम गई ना हो तो उठा राई फल जवान घाट चुभ गया जवान। हर हर महादेव हर हर महादेव। भारत माता की जय करते हुए चले हैं कारगिल की उस घाटी पर। सेना नायक संदीप को अफसर समझाता है कि बेटा ये ऐसी घाटी है दिन में नहीं चढ़ पाओगे, रात को ही चढ़ना है। जब शाम हुई है, शाम जब ढली है, अंधेरा हुआ है, जवान अपने बटालियन को लेकर के उस पहाड़ी पर चढ़ रहा है। जब चढ़ा है तो भाव कवि लिखलन उस समय हिम्मत भरी बाजुओं में बुलंदी कदम फौजियों का बढ़ा जा रहा था। प्रहरी आखरी रात भी थी भयंकर, बहादुर पहाड़ी चढ़ा जा रहा था। तभी दाहिने ओर हरकत हुई है, घना अंधेरा तीन साया दिखाया, उठा हाथ राइफल सेना नायक तीनों को छलनी बनाया। तो दुश्मन की सेना भी चौकन्ना होकर, अरे दुश्मन की सेना भी चौकन्ना होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया, हर हर महादेव हर हर महादेव। मेरे फौजियों ने भी गर्जना सुनाया। जवान चढ़ाई चढ़ रहे हैं, रात को अंधेरा था, देखता है संदीप कुछ आहट मिली, तड़ातड़ साधना निशाना शुरू कर दिया। तीन आतंकियों को बार गिराया, जब गोली की तड़तड़ाहट हुई, जिस समय गोली की तड़तड़ाहट हुई उस समय जो दुश्मन की सेना थी अल्लाह अकबर का नारा देना शुरू कर दिए। तो मेरे भी जवानों कहां कम, हर हर महादेव हर हर महादेव का नारा देना शुरू कर दिए। जब हर हर महादेव का नारा लगाए तो उसने का भाव कवि दिया टेरी वे कैसे लाल
अरे बे पानी कई के भेजब तोहके, अरे बे पानी कई के भेजब तोहके, हिंद के मानचित्र पर करबा जो मनमानी, हा मनमानी, हा मनमानी जियो। हिंद के मानचित्र पर करबा जो मनमानी, बेपानी कह के भेजब तोहके। ऐजे ठो बड़ी खतरनाक गीत है। कि पिया परदे से जोरिया मोरी उड़ी उड़ी जाल अचरिया हम लिखलन हर हर महाप कन्नारा लगा के करगल फौजी जवानवा हो आयल करगिल में खूनी तूफानवा संदीप का साथी अरे संजय बघेला रण में लगाया है लाशों का ढेरा अरे तबले नजरिया अरे परली कसैयन के साधी के मारा नितानवा हो यायल करगिल में खूनी तूफानवा लड़ाई के मैदान में सेना नायक संदीप सिंह साथ में जो फौजी जवान थे एक बड़ा करीबी मित्र था संजय नाम का दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए उसी समय तब तक एक पाकिस्तानी सिपाही देखता है साथ करके निशाना मारता है संदीप के सीने को छलनी करती हुई क्रॉस कर गई गोली धरती पर गिरा है जवान 7,000 फीट नीचे गिर गया मूर्छा संभाला है संजय जब मूर्छा संभाला है कुछ देरी के बाद उसको भी गोली लगती है वो भी घायल हुआ और जब संजय भी घायल हुआ जवान पहाड़ी से नीचे गिरे है और जब पहाड़ी से नीचे गिरे तब भाव कवि लिख लेना पहपट कलाई ना अरे कहे बहादुर होई के हम कुर्बान तिरंगा लहराई अरे कहे बहादुर होई के हम कुर्बान तिरंगा लहराई जान से ज्यादा प्यारा हिंदुस्तान तिरंगा लहराई
मांगी दिए शहादत, जय भारत माँ की बोली हो। जवान दोनों घायल हैं, जिस समय संदीप को गोली लगी उसके कुछ ही क्षण के बाद संजय को भी गोली लगी। आज जब गोली लगी तब, अरे उसी वक्त संदीप के सीने लगी है या के गोली हो। अब दोनों संगी दिए शहादत, भारत माँ की बोली हो। अरे कहे यान मान पर हो के हम बलिदान तिरंगा लहराई, अरे खून से लिख के धरती का सम्मान तिरंगा लहराई। ए बाबू, दोनों जवान शहीद हो गए। आज जब दोनों जवान शहीद हो गए, धरती पर गिरे हैं, गिर के पड़े हैं, भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर राउंड लगा रहा है पहाड़ी के नीचे। जब दूरबीन से देखते हैं हमारे जवान घायल हैं, लेकिन वो तो चल पड़े, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरे थे, 7,000 फीट पहाड़ी से नीचे गिरे थे जवान। दोनों जवानों की लाश को लेकर के फौजी सेना का ट्रक जब चला है घर की तरफ, उस समय का भाव को भी दिया है अल्लाह का। देखा बिरहा ये जते सब मोड़ लेलस, लाश उन जवानों की कफन में केसरिया में लपेट करके जवानों के पार्थिव शरीर को, कुछ भी कह लिया जाए हिंदुस्तान है, हमारी माटी है, हमारी भाषाएं हैं, केसरिया तिरंगे में लपेट करके जब जवानों के पार्थिव शरीर को लेकर के भारतीय सेना के जवान जब चले हैं संदीप के घर, और इधर संजय की लाश को लेकर के संजय के घर चले। आज जब संदीप के घर के करीब, जब गांव के करीब आए हैं, तो उस समय का भाव कुछ वातावरण ही अलग था। बिरहा तो बहुत भई ली भैया, बहुत लोग गवलम बजवलम, बहुत लोग सुनला, लेकिन बिरहा का कुछ अलग कवि का लेखनी चलल, कुछ अलग कर हिसाब रहल। संदीप के घर जिस समय चले हैं जवान, भाव कवि लिखल न चला आधा कलाई में। कि पड़ली नजरिया तबले, इधर तैयारी है संध्या की शादी की, गांव के लोग लगे हैं। गांव के लोग लगे हैं, बारात आने वाली है, कल हित मीत जो करीब के थे लोग आए थे। पड़ली नजरिया तबले गांव के बहरवा भैया, ही पसिया घर में खबरिया भैया, जुटावले रहली आज
जवान आई गाइला दुगरवा भैया मही पैका रखला समनवा बेटा जी पूछ रहे हैं बेटा ये क्या है आंख से आंसू चल रहा है संदीप की लाश देख रहे हैं जवानों के आंखों से आंसू चल रहा है माई जब सुननी हो भैया कर जबे दुई तुक्का हो गया बेटा वा कला सजाबा देखली मतरिया भैया माई जब सुलझ की हमारे लाले धरती पर ना उगन हाय बेटा कह के धरती पर गिरे नहीं बहनिया रोवे की रोई बहने करा बाबू ये को रोवत हुन फौजी जवान सर नीचे से ऊपर नहीं हो रहा है एगो बेटा का दर्द बाप समझ लो माई समझ सकली ए लेकिन माई बाबू पलले रलने पिया लेकिन महेश सिंह सीना चौड़ा कर रहे हैं कि मेरा बेटा वतन के काम आ गया एक पत्र लिखवाते हैं और पत्र लिखवा करके घर के लोगों से कहते हैं कि जा करके उस लड़के वाले से कह दीजिए कि लड़की का भाई शहीद हो गया इधर से लोग लेकर के पत्र गए वहां देने के लिए जहां संध्या की शादी का डेट पक्का किए थे कल बारात आने वाली है इधर से लोग उधर गए देखिए बात यही फंस गई आकर के जो संदीप का साथी संजय था उसी संजय से उस संध्या की शादी पक्की थी लेकिन संदीप इस चीज को नहीं जान रहा था कि यही होने वाला मेरा बहनोई है और एक बात और यही फंस गई वादा किए थे संदीप के पिता महीप सिंह जी क्योंकि संजय की भी बहन एक ही थी जिसका नाम सीता बताया गया तो ये वादा किए थे कि पहले मेरे बेटी संध्या की शादी आपके बेटे संजय से होगी और जब मेरी बेटी आपकी बहू बन करके जाएगी आपके यहाँ तब हमारे बेटे संदीप से आपकी बेटी सीता की शादी होगी उधर से लोग भी चले आए लेकर के पत्र आए जब महीप जी को देते हैं कि जिस लड़के से आपकी लड़की की शादी होने वाली थी वो आज की इस दुनिया में नहीं है
बॉर्डर पर वीर गति को प्राप्त कर गया भैया, दोनों तरफ आंख एक ही है, आंखें नम हो गई, लोग रो रहे हैं, विरह का आखिरी भाव है मास्टर, खड़ी गलाई न जा। एक तरफ बहन तो दूसरे तरफ पत्नी, क्या कभी की कलम चली है? अरे राखी कैसे बांधब हम कलाई तुहारी, तब सपना हो गई सपना में हो सासुर का पियारी, सपना हो गई संध्या रो रही है, दूसरे तरफ होने वाली संदीप की पत्नी जिसका नाम सीता बताया गया, कह कि अरे फोटो में बस देखले रहली तोहरो चेहरावा, अरे कैसे बतावा स्वामी रखब साबुला, दोनों कलाई मनिया गईली उजारी, तब सपना हो गईली सपना में हो सासुर का पियर, धन्य। आखिरी लाइन दिखा, दोनों मतारे का कलेजा यहर का रोवत, इधर संदीप उधर संजय की मां रो रही है, और धरती माँ की क्या बात कर, दोनों बीरवन का भैला अंतिम संस्कार हो, अरे धन्य भारत माता धन्य बेटा वा तोहारा हो, तब सपना हो गईला सपना में हो सासुर का पियारी, गुरु बिहारी गुरु गणेश रामलाल सरहद के बने पूजा, और बिमल चंद्र का रामदेव जननी जीवन से प्यारे, पानी कई के भेजब तोहके जालिम रमेश लाल का रखा शारदा पानी, बे पानी कई के भेजब तोहके।